उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित डासना के देवी मंदिर में अल सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मंदिर के प्रांगण में बिहार से आए एक साधु पर अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में नरेशानंद को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दरअसल डासना के प्राचीन देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा में हमेशा पुलिस बल भी तैनात रहता है, मगर बिहार से आए नरसिंहानंद के शिष्य स्वामी नरेशानंद पर अल सुबह करीब 3:30 बजे अज्ञात हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि न सिर्फ मंदिर बल्कि स्वामी नरसिंहानंद की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहती है, ऐसे में मंदिर में सो रहे साधु पर जानलेवा हमला कैसे हो गया और हमलावर फरार भी हो गए। ऐसा हुआ रात 3:30 बजे के करीब, एक नरेशानंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है, स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया, उनके जो है गला रह दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उनका पूरा जो पेट है बिल्कुल फाड़ दिया है, जिसके पेट के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल बाहर आ गए आ चुके हैं। उन्हें वहाँ से ला के हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि डासना मंदिर में रुके हुए थे, समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने, तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में। तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से, तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, हॉस्पिटल तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति कोई जानकार भी हो सकता है, तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है, लेकिन जिस तरीके से मंदिर प्रांगण में सो रहे साधु पर जानलेवा हमला हुआ वो अपने आप में इस बात को बयां करता है कि पुलिस अपने काम में किस कदर लापरवाही बरत रही है।